दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे पांच होम्योपैथिक ऐसी दवाओं के बारे में बातचीत करेंगे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। दोस्तों आज इन पांच मेडिसिन पे हमारा फोकस रहेगा, आज इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों हम जिन पांच मेडिसिन के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसमें जो पहली मेडिसिन है वह है ब्रैनिया। दोस्तों ब्रैनिया ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है क्योंकि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन, खिंचाव, इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। दोस्तों और आप जानते हैं कि जो भी हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रॉब्लम्स होती है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी है चाहे वो कहीं की भी हो वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो वैसी कंडीशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है ब्रैनिया। इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, किन सिम्टम्स के आधार पर इसको दिया जाता है, पहला सिम्टम इसका होता है दोस्तों कि कंप्लेन वर्स बाय मोशन। जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं वो चलने फिरने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। रिलीफ बाय कंप्लीट रेस्ट, बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट करे पेशेंट तो पेशेंट को आराम मिलता है। अब इसका ठीक उल्टा होता है दोस्तों रस टॉक्स के अंदर में, पेशेंट को जो तकलीफ होती है वो रिलीफ बाय मोशन होती है और वर्स बाय रेस्ट, जैसे पेशेंट आराम करता है उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, जैसे वो चलता फिरता रहता है तो उसकी तकलीफ़ों में आराम मिलता चला जाता है दोस्तों। जबकि ये दोनों दवाएँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में या आर्थराइटिस के जितने भी केसेस होते हैं वहाँ पर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ब्रैनिया की जो दूसरी पेक्यूलियरिटी है दोस्तों वो है इसकी थर्स्ट, प्यास। पेशेंट का मुंह सूखा रहता है बावजूद उसके प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और एक बार में पेशेंट चाहता है कि एक एक गिलास, डेढ़ डेढ़ दो दो गिलास पानी पीना, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना चाहता है। मुंह सूखा रहता है चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहती है, उसके होठ आप देखेंगे तो सूखा रहेगा दोस्तों। ये आपको बाहर से और ये आपको अक्सर मिल जाएगा कि जब भी अगर ब्रैनिया का पेशेंट होगा तो उसके होठ ऊपर से सूखे हुए रहेंगे, देख करके सूखा सूखा लगता है। अगर पेशेंट का मुंह खोल करके आप देखिए तो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी अंदर का पूरा मुंह सूखा आपको महसूस होगा। तो ये सिम्टम होता है दोस्तों ब्रैनिया का, ठीक है। तो पहला हमने बताया आपसे कि कंप्लीट वर्स बाई मोशन, चलने फिरने से तकलीफें बढ़ जाती हैं, आराम करता है तो पेशेंट को आराम रहता है, और दूसरा प्यास देखना आपने, ज़्यादा मात्रा में पानी पीता पेशेंट। अब यहीं पे अगर प्यास की बात करें तो रस्टॉक्स में भी प्यास होती है, रस्टॉक्स में पेशेंट को थोड़ी बेचैनी होती है, फिजिकल रेस्टलेसनेस पेशेंट के अंदर मिलेगा आपको रस्टॉक्स के पेशेंट पे दोस्तों। दूसरा जितने भी जोड़ होते हैं दोस्तों, जो मैक्सिमम जो मेजर जॉइंट्स होते हैं, जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर एक्शन होता है दोनों दवाओं का। अब दूसरी दवा की बात करें तो अभी हमने बात किया इसके बारे में रस्टॉक्स के बारे में दोस्तों। रस्टॉक्स का अगर आप टंग देखते हैं तो रस्टॉक्स के टंग में आपको एक चीज़ मिलेगा, ट्रायंगुलर टिप। एक तो इम्प्रिंट ऑफ टीथ होता है, दांत के निशान पड़े होते हैं किनारे किनारे पे, और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जीभ का जो आगे का पोर्शन होता है नोक, वो आपको ट्रायंगल में तिकोना आकार में रेड कलर की मिलेगी। ये इसका बड़ा खास सिम्टम होता है दोस्तों। प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी होती है, पेशेंट को अगर तकलीफ़ है, दर्द है, तो दर्द में पेशेंट को चुपचाप पड़े रहने में तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मतलब जब रात में पेशेंट की तकलीफ़ें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं रस्टॉक्स के केस में, जबकि ब्रैनिया में रात में आराम मिलता है पेशेंट को। जब पेशेंट दिन में चलना फिरना जब स्टार्ट करता तो उसकी तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे ही वो चलना कुछ दूर चला, थोड़ा सा पैर के जो जॉइंट्स होते हैं गर्म हो गए, तो इसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये पिक्यूलियर सिम्टम होता है रस्टॉक्स का दोस्तों। इसके अलावा पेशेंट को, रस्टॉक्स के पेशेंट को हाथ पैर में, एक्सट्रीमिटीज़ में दर्द महसूस होता है, तो ये इसका बड़ा खास सिम्टम है दोस्तों। इसके बाद हम तीसरे दवा की बात करते हैं दोस्तों, वह है पल्साटीला। पल्साटीला के पेशेंट की जो तकलीफ़ होती है दोस्तों, उसका जो पेन होता है, उसका पेन की एक बड़ी पेक्यूलियरिटी होती है कि जो पेन होता है वो एक जगह पर रुक नहीं सकता,
अभी यहाँ पे दर्द हो रहा है इस जॉइंट पे, फिर दूसरे जॉइंट पे पहुँच गया, फिर इधर पहुँच गया, उधर पहुँच गया, मतलब जॉइंट टू जॉइंट मूव करता रहता है दोस्तों। ये इसकी एक खास पेक्यूलरिटी होती है कि पल्सर टीला के पेशेंट के जो दर्द होता है वो एक जगह रुक नहीं सकता, वो अभी एक जॉइंट में हो रहा है फिर दूसरे जॉइंट में, चूँकि पल्सर टीला का जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक खास बात होती है चेंजबिलिटी, मतलब चेंज होने की प्रवृत्ति होती है उसकी, मतलब उसकी जब भी कोई तकलीफें होती हैं उसको आप देखेंगे कि नो टू सिम्टम्स अलाइक, कभी भी दो सिम्टम्स उसके एक जैसे नहीं हो सकते, ये साफ साफ लिखा हुआ है एलन की नोट्स में। तो इसका दोस्तों ध्यान देना आपने कि पेशेंट का जब आप देखेंगे उसको जो तकलीफ़ें होती हैं वह चेंज होती रहती है, जो पेशेंट का मूड होता है पल्सर टीला का वो चेंज होता रहता है, अभी हंस रही है अगले पर रोना शुरू कर देगी, अपनी बातों को कहते कहते वो रोने लगती है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी भावुक होती है, आँख से आंसू निकलना शुरू कर जाते हैं, अपनी तकलीफ़ बताते बताते पेशेंट रोने लगती है, बहुत माइल्ड पेशेंट होती है दोस्तों पल्सर टीला की, ज़्यादातर ये केसेस होते हैं आपको ये मिलते हैं लेडीज़ के अंदर में, और पल्सर टीला मेनली लेडीज़ की मेडिसिन है लेकिन जेंट्स में भी यूज़ की जाती है दोस्तों। इसके अलावा पल्सर टीला के जो पेशेंट जो होती है उसको तेल घी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो दोस्तों जो तीसरी हमारी मेडिसिन है वो रही पल्सर टीला। अब हम अगर अपने चौथे मेडिसिन के बारे में बातचीत करें तो वो है दोस्तों बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की जो दोस्तों खास बात क्या होती है कि बेंजोइक एसिड पॉलीआर्थराइटिस, जैसा कि पल्सर टीला भी है पॉलीआर्थराइटिस, कई सारे जॉइंट्स अफेक्टेड रहते हैं, इवन स्मॉल जॉइंट्स भी। दोस्तों बेंजोइक एसिड का जो एक खास सिम्टम होता है कि इसका जो यूरिन होता है दोस्तों वह डार्क कलर का होता है और बहुत ज़्यादा यूरिनस ऑर्डर होता है उसमें, बहुत ज़्यादा महक होती है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये एक बड़ी ख़ास सिम्टम होती है बेंजोइक एसिड के कंडीशन में। इवन इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं, जो दर्द होता है वो टीरिंग टाइप का होता है, फाड़ता हुआ दर्द होता है, या स्टिचिंग टाइप का जैसे चुभने वाला दर्द होता है, और स्पेशली तकलीफ़ें इसकी रात में बढ़ जाती है दोस्तों। और ख़ास बात होता है कि इसका जो बिग टो होता है, जो अंगूठा होता है पैर का, वह अफेक्टेड होता है ज़्यादातर केसेस में दोस्तों। आप देखेंगे उसमें स्वेलिंग होता है, दर्द होता है, तो इन सारी तकलीफ़ों में दोस्तों बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। एक तकलीफ दोस्तों और होती है पेशेंट की कि पेशेंट को कभी कभी देखेंगे कि पेशेंट बोलती है कि, या जेंट्स है तो बोलता है कि डॉक्टर साहब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है कि जो तकलीफ़ होती है दर्द होती है, तो दर्द तो है ही, उसके साथ में चलने में क्रैकिंग साउंड्स होती है, चलने में कटकट की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे दोस्तों बेहतरीन दवा है बेंजोइक एसिड अगर यूरिन का सिम्टम मिलता है तो। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी पाँचवीं मेडिसिन है वह है कालोफाइलम। कालोफाइलम दोस्तों पॉलीआर्थराइटिस की मेडिसिन है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और इसकी एक बड़ी खास बात होती है दोस्तों कि ये इसकी जो तकलीफ होती है दोस्तों एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में पहुँचती रहती है, मतलब ये भी इस दर्द में अभी इस जॉइंट पर दर्द हो रहा है, फिर दूसरे पल में दूसरे जॉइंट में पहुँच जाएगा, फिर तीसरे पल में, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है दोस्तों। कालोफाइलम की खास बात है दोस्तों कि इसका जो दर्द होता है वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में पहुंच जाता है, मतलब छोटे जॉइंट बड़े जॉइंट सब में होता है और हमेशा जगह बदलता रहता है, ये इसका खास सिम्टम है जो कि पल्सर टीला में भी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो अफेक्टेड जॉइंट्स होता है उसके अंदर स्टिफनेस जकड़न सी होती है, ये इसका बड़ा खास सिम्टम होता है, स्पेशली ये वुमन की मेडिसिन से दोस्तों लेडीज़ के को ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके साथ में पेशेंट को मेंसेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है स्मॉल जॉइंट्स में, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं इसको एक्टिया स्पाइकेटा के साथ में दोस्तों। तो दोस्तों ये रही हमारी पांचों मेडिसिंस जो कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, स्पेशली जॉइंट्स पेन में या ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस के जो पेन होते हैं उसमें। अगर इन मेडिसिंस के जो सिम्टम्स हैं आपको मिलते हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट में तो आप उनको यूज़ करके इससे बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के फ़ायदे की होगी, आप लोगों के काम आएगी, और आपको लगता है कि किसी के अगर काम आ सकती है तो उसको इस मेडिसिन को या इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।